सिंगरौली से बीजेपी विधायक राम लल्लू वैश्य के बेटे की गुंडागर्दी सामने आई है, जहां पर विधायक की बेटी विवेकानंद वैश्य ने एक आदिवासी युवक को कथित तौर पर गोली मार दी और जो मौके से फरार हो गया। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, उसे नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आदिवासी युवक की शिकायत पर मोरबा थाने की पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और आरोपी की तलाश में टीम जुट गई है। बता दें कि इससे पहले भी 21 जुलाई 2022 को वन विभाग के चेकपोस्ट पर वन कर्मियों के साथ भाजपा विधायक के बेटे ने कथित तौर पर अपने साथियों के साथ लाठी डंडे से मारपीट करने के बाद बंदूक से फायरिंग की थी। हालांकि गनीमत रही कि बंदूक की गोली वन कर्मी के पैर को छूते हुए निकल गई। तो साहब का मुकदमा जरूर कल देखने वाला लगा है, खाना पूर्ति किया गया है, गिरफ्तारी हो, उनकी उचित कार्रवाई हो, ये हम सबकी मांग है। बुलडोजर की बात निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ कि NSA की कार्रवाई, यदि एक गरीब की झोपड़ी गिराने पर NSA की कार्रवाई हो सकती है, यदि प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चल सकता है, तो आखिर शिवराज सिंह अपने विधायक के घर के ऊपर बुलडोजर कब चलाएंगे और क्यों नहीं चलाएंगे? न्याय तो उस आदिवासी को सही मायने में तभी मिलेगा जब NSA की कार्रवाई होगी, बुलडोजर की कार्रवाई होगी। और मामले की विवेचना की जा रही है। पुलिस को प्राथमिक जांच में अभी तक जो तथ्य आए थे उसमें यही पता चला है कि पंजर बस्ती में कुछ रास्ता सकरा, उसके लिए कुछ विवाद था। पुलिस अभी मौके पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और साथ में विवेचना की तथ्य भी जारी है। और अभी जो घायल था उसकी हालत भी ठीक है, उसके कुछ अपराध हैं आरोपी के और उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई पूर्व में की जा चुकी है। हाँ, इसमें जानकारी लग गई है पुलिस को कि जो पीड़ित है वो ST समुदाय का है, उसमें SC ST की धारा बढ़ाई गई है। इसमें कार्रवाई वैधानिक रूप से की जा रही है।